अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई। लोग रमजान शन कैसा जा रहा है? रोजे से फिट जा रहे हैं। ठंडा मौसम है, चेक करो भाई, लगता है कि पता नहीं कोई जनवरी फरवरी का मौसम चल रहा है। हालांकि मार्च गुजर गया और बहुत ही खूबसूरत किस्म का रमजान चल रहा है। रोजा ऐसे गुजरता है जैसे कभी रखा ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आ रहा है। वेलकम बैक हो गया आपका जी आफ्टर द ब्रेक। तकरीबन कोई 10 दिन की, तो 10 दिन हम गए हुए थे गाँव में। मैं मोस्टली रमजान जो है पूरा गाँव में गुजारता होता हूँ, क्योंकि गांव की रमज़ान की एक अलग ही वाइब होती है। लेकिन इस दफ़ा मैंने कुर्बानी दी है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने वादा किया था कि इस दफ़ा रमज़ान में बिल्कुल ब्लैकआउट नहीं होगा, कि मैं बिल्कुल गायब हूँ। वैसे भी आप लोग कहते हो कि यार 2 हफ्ते बाद 2 दिहाड़ियाँ लगा के भाग जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ब्रेक लेने गया था रमज़ान की और मैं वापस आ गया। इंशाल्लाह अब दोबारा से वीडियोज़ का आगाज़ हो चुका है और इंशाल्लाह व्लॉग आना शुरू हो जाएंगे। तो इतने सुहाने मौसम में तकरीबन को अफ्तारी से आलमोस्ट एक घंटा पहले मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ जी रेबो के लिए बैटमैन स्टाइल मिरर्स लेने। कहाँ से लेने जा रहा हूँ? तो एक भाई हैं यहाँ पे रावलपिंडी में रहते हैं, उनके पास वो पड़े हुए थे, लेकिन वो उनके इस्तेमाल में नहीं थे, या किसी तरह उन्होंने लगाए नहीं, या क्या सीन हुआ, गाड़ी उन्होंने बेच दी कुछ। गाड़ी तो उनके पास है लेकिन उन्होंने वो लगाए नहीं, तो उनके पास स्पेयर पड़े थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो ग्रिल पड़ी हुई है जो मैंने पहले लगाई थी ब्लैक कलर की म्यूगन की, तो वो उनको चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अगर आप एक्सचेंज करना चाहें तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो हम बैटमैन स्टाइल मिरर्स के साथ अपनी ग्रिल एक्सचेंज कर रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ बैरिया, एहसन भाई वहाँ पे आते होंगे, वो भी घर से निकल आए थे। बैटमैन स्टाइल मिरर्स उठाते हैं, आज तो शायद ना लग सकें, हो सकता है लग भी जाएँ। अगर नुमान भाई शॉप पर हुए तो उनको बोलेंगे आज उनको ठोक दें। देखते हैं कि बैटमैन स्टाइल मिरर्स गाड़ी पर कैसे लगते हैं। एहसन भाई आ चुके हैं, ये उनकी ब्लैक रिबोन आपको नज़र आ रही होगी। अभी उनसे बैटमैन मिरर्स लेते हैं और ये ग्रिल उनके हवाले करते हैं। नुमान भाई से इंस्टॉल भी कराते हैं, नुमान भाई यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। कल लगी तो हुई है यार, ग्रिल लगी हुई, लेकिन थोड़ा चेंज करना है वाली। और मैं से शहर के साथ फाइनली जी मुलाकात हो गई आपसे। ये देखिए आप प्रवेश लगते किस चीज़ से? डबल टेप से लगते हैं। डबल टेप। अच्छा, अंदर डबल टेप लगा, बस लगा रहे हैं। लगा लेते हैं, देखो बिल्कुल मेंट कंडीशन। आपने लगाई क्यों नहीं? मैंने लगवाए थे, उतार दिए थे। उतार दिए? हाँ। मॉल नहीं बना? नहीं बना, वो असल में आपके साथ ब्लैक है। हाँ, ब्लैक है। मैं तो उसको गाड़ी को लगा दूँ। तो भाई लोग, ये है असल भाई की ब्लैक रिबोन और ये है हमारी अपनी रेबो। अभी बस नुमान भाई को बोलते हैं, अगर असल भाई ने ग्रिल लगवानी है तो उनको ग्रिल लगवा के देते हैं हम अपने। अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, देखते हैं अभी करा लेते हैं इंस्टॉल को, लंबा थोड़ा काम नहीं है, टाइम भी है अभी। भाई लोग, मौसम जो है ना वो बहुत ही कुछ सुहाना किस्म का हो गया। बारिश लगी हुई है हल्की हल्की, बहुत ही मज़ेदार किस्म का मौसम है, ये चेक करें। और ये गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी है। नुमान भाई डबल टेप लगा रहे हैं ग्रिल पर, आपको लगा के चेक कराते हैं। भाई जी पूरी गाड़ी ब्लैक आउट, थीम जो है गाड़ी का वो ब्लैक आउट है, इसलिए उन्होंने वो मिरर उतार दिया, उसमें ग्रे फील आ रही थी, वो आज हम अपनी रेबो पर लगा लेंगे। ये चेक करें भाई लोग, हमारी जो ग्रिल है वो ब्लैक गाड़ी में फिट हो चुकी है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि ब्लैक के साथ ही खूबसूरत लगी। नुमान भाई ये कपड़ा मारें जा बोनट पर, थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा। ये चेक करें भाई, माशाल्लाह गुड लुकिंग, वेरी ब्यूटीफुल। अभी भाई कह रहे हैं कि वो रेड लोगों को पसंद नहीं, वो यहाँ पर बिल्कुल उसको डल ब्लैक कर देंगे, क्योंकि पूरी गाड़ी ब्लैक आउट है, तो इसको भी ब्लैक आउट करेंगे। इस पर बहुत खूबसूरत लग रही है, मेरी वाली में बहुत शोधी लग रही थी। ये चेक करें, और ये हमारी अपनी म्यूगन की जाली वाली ग्रिल। नुमान भाई हमारे जो बैटमैन स्टाइल साइड मिरर कवर्स हैं उन पे डबल टेप लगा रहे हैं, ताकि लगा चुके हैं, फिर से उतार रहे हैं, उतारे हैं, उतार हैं इसके ऊपर से। गाड़ी गीली है इसलिए इस पर एक कपड़ा कपड़ा मार के हमने नीचे खड़ी किए, ताकि जो टेप है वो प्रॉपर लगे, उतर ना जाए। सईदुल कौनैनी वत्तकालैनी
मुझे जो लग रहा है कि ये जो नीचे वाला पीस है ना, ये वाइट वाला, ये भी ब्लैक हो जाए तो गाड़ी की लुक जो है ना और खूबसूरत हो जाएगी, और इसको मैंने ब्लैक करवा देना है। अब देखते रहें, आपका बाइक किसी पंगे से बाहर नहीं आएगा। अब लुक चेक करें माशाल्लाह गाड़ी की। और आपको एक अपडेट दे दूँ कि इन लाइटों का कुछ जल्द करने वाला हूँ मैं। क्या करने वाला हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ करने वाला हूँ। मैं तंग पड़ गया उनसे, इनकी लाइट नहीं है यार, रात को अंधा हो जाता हूँ मैं। लोग मौसम इज़ वेरी स्मैक्सी, और अफ्तारी का जो टाइम है वो बिल्कुल करीब आ गया, 6:10 हो चुके हैं, और मैं अभी निकला हूँ बैरियर से। मुझे कम से कम 15 मिनट लगेंगे घर जाते हुए। तो अभी ये चेक करें आपके भाई की गाड़ी में बैटमैन स्टाइल ब्रश लगे हैं, क्या कोई खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन एक चीज़ की कमी अभी है, ये जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे शीशे लगे हुए होते हैं, ये वाइट है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा इनको। खुद शीशे तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन ये ब्लैक हो जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और आपका भाई इनको ब्लैक करा के छोड़ेगा। तो भाई लोग, अफ्ताही शादी करके मैं आ गया था स्कीम 3 में फाइक भाई के पास। फाइक भाई को आप जानते होंगे, आपने आगे भी मेरी एक वीडियो में देखा होगा, इनके पास वैगन आर थी। अभी उन्होंने वैगन आर सेल करके हाइब्रिड और आरएस वाली स्पोर्ट्स ली है वेजल, और ये कोई क्या कोई वैसी गाड़ी है। मैं वैसे ही चलाने आया था, मैंने ब्लॉग नहीं बनाना था, लेकिन चला के इतना मजा आया तो मैंने कहा फाइक भाई को क्यों ना। फाइक भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, इनको बताएं जरा आपकी गाड़ी है क्या, मुझे कुछ नहीं पता। ये जी होंडा वेजल है, 2017 मॉडल है और 2022 की इंपोर्ट है। आरएस है ये? ये आरएस सेंसिंग फुल ऑप्शनल होंडा वेजल है। अच्छा, और फुल ब्लैक कलर में है। ये ब्लैक कलर में, अभी हम बाहर से आपको गाड़ी को दिखा सकते हैं, बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में है। और इंजन इसका कितने सीसी होता है? 1500 इसका 1500 टर्बो टर्बो ट्विन टर्बो ट्विन टर्बो 1500 सीसी। और इंटीरियर में इसके कितनी खूबसूरत चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। वाहिद भाई अपने फाइक भाई, वाहिद लाइट ऑन करें। ये वाहिद के साथ रहा है ना, मेरे मुंह से वाहिद जाता ही नहीं है। जैसी लाइट्स ये चेक करें, ये चेक करें, इस पे है अल्कंटारा फैब्रिक जो कि रिबोन की टाइप आर की शूटों पे आता है। ये चेक करें, और इतनी कोई प्रीमियम फील है इस कपड़े की कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं फ्लैश लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये मेरा फेवरेट फैब्रिक है। किसी दौर में मेरा मूड बना था कि रेबो में इसका काम कराऊं, लेकिन ये मिलता नहीं है यहाँ पे प्योर असली वाला। ये यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी, और ये गाड़ी कोई ऐसी वैसी भागती है। मैंने अभी मांडा थोड़ा खासा मार के चेक किया यहाँ पे, भी थोड़ा बताऊंगा कि इसके अंदर 3 मोड्स हैं, ठीक है, कंफर्ट, स्पोर्ट्स और नॉर्मल। कहाँ से आता होगा ये? इधर से कम्फर्ट, स्पोर्ट्स और नॉर्मल मोड है, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको स्पोर्ट्स पे करते हैं तो इसकी ये साउंड आ जाती है, और ये अगर कम्फर्ट पे रहेगी तो ये टोटल बैटरी इसके ऊपर रहेगी, गाड़ी गर्म होने के बाद कोई आवाज नहीं आएगी। तो ये वाला बटन दबाने के बाद इसमें ना मॉन्स्टर वाली ताकत आई थी। आए इसको चक्कर लगा के आते हैं, मैं आपको जरा दिखाता हूँ। नजदीक जंप ही आएगी जी जी बिल्कुल। तो आप जरा कैमरा आगे रखें और इसको हम चलते हैं। ये स्पोर्ट्स एकदम से गाड़ी में ना जान आ जाती है, एकदम से गाड़ी में बिल्कुल। इकोनॉमी भी अहमद भी बंद कर दे, इकोनॉमी भी बंद, हमें इकोनॉमी नहीं चाहिए, ये मॉन्स्टर तैयार है। अब चेक करिए गाड़ी, ये फुल बीमा भी हुआ है इसका। जी हाँ, अभी चेक करिए गाड़ी को उठना चाहिए इधर, यहाँ पे आपने सुनने कैमरा, ठीक है। ओ तेरी ऐसे जाती है तो निकलती है, बहुत फैशनी किस्म रेबो का कोई मुकाबला नहीं इसके साथ। मैं सोच रहा था फार्मूल 1-to-1 करा लूं इसका, लेकिन नहीं भाई, बेइज्जती सी हो जानी है, अपनी बेइज्जती नहीं करानी। ऐसे सीट के साथ बंदे को रख लेती है वैसी। मेरे पास अभी पैसे होते ना कुछ 6-7 मिलियन। भाई साहब, भाई साहब गाड़ी मैंने ले जानी थी आपसे यार, सॉरी यार, मेरे मुंह से ये उल्लू का पट्टा वायद में तुम जुबान पे चढ़ा हर वक्त वायद वायद साथ ही होता है हर वक्त, तो उस वजह से होशोवास पे सवार है यार। किस दिन सीट पे लेके जाऊंगा गाड़ी को मैं, और वैसी मांडे मार के आऊंगा पूरी पिंडी के में। लगती शरीफ सी है गाड़ी। हाँ जी, लेकिन वैसी फुल वैसी है। फ्यूल एवरेज क्या देती है अगर आप इसको टोटल मतलब नॉर्मल इकोनॉमी? ये अहमद भाई 20-22 CC दे रही है, ठीक है, और इसको हाई ऑक्टेन पर ड्राइव करें तो आपको बहुत ही अच्छा करती है, और एवरेज हिसाब उधर ही चला जाता है। यार ये गाड़ी ना ओवरऑल कंफर्टेबल भी होता है, मजे की, मतलब कि कंफर्ट बहुत है, बंपी राइड नहीं है इसकी, जी जी सॉफ्ट राइड है, और रोड ग्रिप भी बहुत झटके नहीं है, वो नहीं है, बहुत स्मूथ। बाहर का नॉइस तो बिल्कुल अंदर है, साइलेंट, और इसकी इकोनॉमी भी
बहुत अच्छी होती है जी, जी, गैर बिल्कुल। मेरे ख्याल से इसका मुकाबला अगर स्पोर्ट्स मोड में रह के हम करें ना जीबोन के साथ स्पोर्ट में के बगैर तो फिर शायद कोई आस पास चली जाए, वरना मुझे नहीं लगता कि करीब भी आएगी। बिल्कुल ट्रेन करेंगे कभी ना कभी। हाँ जरूर जरूर, एनी टाइम K20 ढूंढो ना फिर करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। दिखाएं सामने, हमारे पास ज्यादा स्पीड तो नहीं है लेकिन हमारे पास खूबसूरती है भाई साहब। ये चेक करें है ना कोई अखीर किस्म की गाड़ी, खानदानी गाड़ी। तो भाई लोग कल मैं अफ्तारी से लेट हो रहा था इसलिए मैं आपको गाड़ी की फाइनल लुक नहीं दिखा सका था विद बैटमैन स्टाइल मिरर कवर के साथ। तो अभी मैंने कहा कि आपको गाड़ी की जरा लुक दिखा दें, ये चेक करें जी। जो मिरर कवर्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही मजाक कर रहे हैं। गाड़ी की बड़ी वैसी वाइड सी और बड़ी वैसी सी लुक आ रही है, ये चेक करें आप। करीब से और भी खूबसूरत लगते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो कार्बन फाइबर का पैटर्न है वो बड़ा कोई रियलिस्टिक है। लेकिन जिस चीज़ की मुझे कमी लग रही है वो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो नीचे इसके होल्डर हैं जिसके ऊपर ये माउंट है शीशा, ये भी अगर ब्लैक हो जाए तो गाड़ी की लुक बहुत प्यारी हो जाएगी। जिस कलर में जिस पेपर के साथ वो हमारे डोर हैंडल्स रैप हुए हुए हैं, अगर ये भी इसी में रैप हो जाए तो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि थोड़ा राउंड शेप का इसको उधर कवर करना मुश्किल होगा, तो गाड़ी बहुत ही कोई खूबसूरत किस्म की लगेगी इंशाल्लाह। मैंने सोचा आपको ये भी बता दूं कि इस मंथ में यानी कि रमज़ान में हमारे कुछ छोटे मोटे प्लान्स जो हैं वो क्या हैं, ताकि आप जुड़े रहें हमारे साथ और आपको क्यूरियोसिटी दे कि अगली वीडियो में क्या क्या आने वाला है। तो पहले तो सबसे मैं आपको ये बता दूं कि हम अपनी हेडलाइट्स चेंज करने वाले हैं। क्यों चेंज करने वाले हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में ही बताऊंगा, और आलात भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि अब ये बिल्कुल वो डल हो गई हैं और मज़ा नहीं कर रही गाड़ी पर। उस तरह बहुत सारे लोगों ने भी कहा है कि उसको चेंज करें। मेरा इनके साथ रहने का सिर्फ एक ही मकसद था कि गाड़ी की जो नाइट की लुक है वो अच्छी आती है, रिंग्स वगैरह नजर आते हैं, लेकिन रात को मैं इतनी यूज़ भी नहीं करता गाड़ी ना, कभी ऑटो शॉप पे हम रात को जाते हैं तो दिखानी तो होती नहीं है। दूसरे नंबर पे हमने गाड़ी के रिम्स जो हैं ये रीप्रिंट करने हैं, कौन से कलर में प्रिंट करने हैं या मुझे मशवरा ज़रूर दीजिएगा, और जिस किसी का मुझे अच्छा लगा वो मैं ज़रूर अपनाऊँगा इंशाल्लाह। मेरे अपने दिमाग में 2-3 कलर्स हैं लेकिन वो इसी के आसपास घूमते हैं, कोई बहुत कोई ऐसा यूनिक कलर नहीं है क्योंकि इस पे कोई बहुत यूनिक कलर सूट भी नहीं करता। इस पे या यही ब्रॉन्ज कलर सूट करेगा या ग्रेफाइट ग्रे सूट करेगा, तो आप अपना कोई आइडिया है आपको तो वो ज़रूर बताइएगा प्लीज़। ये ना कहिएगा कि वाइट करा दें में आ जाएँ, तो मैट्स का हमने करना है कुछ, और इसके अलावा तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल कंप्लीट है। बाकी मैं ये सोच रहा था कि ये जो ट्रिम्स हैं जो ग्रेश किस्म की हैं ये मैं खुद ही घर में मैट ब्लैक स्प्रे से पेंट करूँ ताकि जो गाड़ी की लुक है वो हमारी ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाए। बाकी हमारी गाड़ी सारी आप चेक कर लें, यहाँ से फुल ब्लैक है और यहाँ से ग्रे है। ये वाला पीस तो शायद हम नहीं चेंज कर सकते, नहीं ये भी कर सकते हैं। इसका मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि हम इसको कार्बन फाइबर डिप कराएंगे, ऊपर वाले को हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन ये ऊपर वाला पीस और वो ऊपर वाला पीस ये दोनों चेंज हो सकते हैं और हम इसको बिल्कुल सेम कलर में लेंगे। लेकिन ये थोड़े से महंगे हैं तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता लेंगे, हम एकदम से इस पर खर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसको पेंट नहीं कराना, ये ख़राब हो जाएगा, पेंट इस पर टिकता भी नहीं है। तो हम इंशाल्लाह ये दोनों पीस भी जो है ऐसे ही डोर्स वाले कलर के साथ मैच करके पहले लेंगे, क्योंकि पूरा डैशबोर्ड अब हमने लिया था तो ये हमें भाई साहब ने ये वाले पीस हमें दांत नहीं दिए थे, ये हमारे साथ धोखा हो गया था। बाकी सीट बेल्ट्स गाड़ी की, ये मेरे बेटे के पीछे BMW खड़ी है, नहीं वोक्सवैगन खड़ी है। आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी शायद क्योंकि अगले दो वीडियोज़ में, क्योंकि यहाँ से आगे मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और मैंने चाहता कि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाए क्योंकि उसका थोड़ा काम ज़्यादा है, काम ज़्यादा तो नहीं है मतलब कि लंबा काम है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।